ऑनलाइन सीखने का तरीका जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस ऑनलाइन शिक्षा अभियान के चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस में आप किस तरह से जो यूआरएल परमालिंक्स होता है उसमें से कैटेगरी को किस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्डप्रेस इसमें डालते हो किसी वेबसाइट पे, तो आपको यहाँ पर परमालिंक्स जो सेटिंग के अंदर में परमालिंक्स है वहाँ पर ये प्लेन पे रहता है, तो आपको ये पोस्ट नेम पे डालना पड़ता है, ऑटोमेटिक करना पड़ता है। तो क्या होता है कि हमारा जो भी यूआरएल होता है, जो भी हम पोस्ट करेंगे, वो क्या होगा कि सीधा वेबसाइट के यूआरएल के बाद जो पोस्ट का यूआरएल होता है वो आ जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट में ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग एक कैटेगरी रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये ब्लॉग एक कैटेगरी है, तो जब भी हम इस ब्लॉग को खोलते हैं तब क्या होगा, ये जो ब्लॉग मेरा खुलेगा वो एक कैटेगरी स्लैश ब्लॉग बोल के खुलेगा। तो एज पर एसईओ की जब हम कोई भी पाथ बनाते हैं जहाँ पर हम परमालिंक्स बनाए या तो ब्रेड क्रम्स का जब हम यूज़ करते हैं, जिसको इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं, तो कोई भी जब हम पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो वो इस तरह से एक ब्रेड क्रम बन जाता है। तो यूआरएल कैसा होना चाहिए कि जब भी हम ये जो पेज खुला हुआ है उसका यहाँ पर यूआरएल आया हुआ है, उसके बाद ये ब्लॉग है, उसके बाद होम है, तो जब ब्लॉग क्लिक करेंगे तो पेज का यूआरएल ऐसा होना चाहिए कि वेबसाइट यूआरएल स्लैश ब्लॉग होना चाहिए। और जब ये पेज खुलेगा तो वेबसाइट यूआरएल स्लैश ब्लॉग स्लैश ये, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लॉग का ऑप्शंस नहीं आ रहा। और जब हम इस ब्लॉग को क्लिक करते हैं तब ये क्या होगा, कैटेगरी ब्लॉग आ जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें वहां पर एक कैटेगरी को डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अगर परमालिंक्स में जाने के बाद हम यहाँ पर कस्टम में जाते हैं और सोचते हैं कि पहले ब्लॉग आए, यूआरएल जो होगा वो इस तरह से हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको ओपन करता हूँ और इसको लेता हूँ ब्लॉग, और ये जो यूआरएल है इसका पहले जो होगा वो इस तरह से अगर यूआरएल मेरा बन जाता तो हम बोलते कि ये है एक परफेक्ट एसईओ यूआरएल, कि वेबसाइट यूआरएल हुआ, आपका वेबसाइट डोमेन हुआ, उसके बाद स्लैश ब्लॉग स्लैश ये जो आपका पेज का पोस्ट है। लेकिन हमारे इन पे वैसा नहीं हो रहा। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ कस्टम स्ट्रक्चर में जाएंगे, पोस्ट नेम को हटाने से पहले हम सबसे पहले क्या डालेंगे, कैटेगरी, कैटेगरी आएगा उसके बाद पोस्ट नेम आएगा, उसके बाद हम इसको डाल देंगे सेव। अगर हम ऐसा कर देते हैं तब क्या होगा, तब ये जो यूआरएल है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पर रिफ्रेश करता हूँ इसको, उसके बाद मैं जब इसको खोलता हूँ तो आप देखेंगे कि ये खुल रहा है ब्लॉग, उसके बाद हमारा जो ब्लॉग का यूआरएल है वो परमानेंटली ढंग से काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉग को यूआरएल करूं तो क्या होना चाहिए, ये मेरा हट जाना चाहिए इतना पार्ट, और केवल ये यूआरएल खुलना चाहिए, इस तरह से दिखना चाहिए, राइट। ये हट जाने के बाद हमारा इस तरह से ये केवल ब्लॉग आना चाहिए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ब्लॉग खोलते हैं इस तरह से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कैटेगरी ब्लॉग आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए कैटेगरी ब्लॉग, केवल ब्लॉग आना चाहिए, ये दोनों यूआरएल। और अगर हम सिंपल से अगर हम कोई पेज खोलते हैं और उसके बाद हम इस ब्लॉग को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी ब्लॉग आ रहा है, राइट। तो यहाँ कैटेगरी आ जा रहा है, और जब हम किसी यूआरएल को खोल देते हैं तो वहां से वो कैटेगरी हट के ब्लॉग। तो हमें ओवरऑल इस कैटेगरी को हटाना है ताकि डोमेन के साथ में सीधा ब्लॉग आए, तो इसको हम कैसे हटाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको परमानेंस में जाना है, आपका जो ये कस्टम स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे ऑप्शनल में कैटेगरी बेस है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट एक फुल स्टॉप लिख देना है और उसके बाद सेव चेंजेस में क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जाकर, यहाँ पर जाइए, जाने के बाद मैं ब्लॉग में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, कंट्रोल F5, पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। फिर अगर यहाँ से मैं ब्लॉग में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो कैटेगरी मेरा हट गया, वो हाइड हो चुका है, स्लैश ब्लॉग आ रहा है। उसके बाद मैं कोई भी यूआरएल खोलूंगा तो उसके बाद ये सीधा यूआरएल खोल रहा है, उसके बाद इसमें ब्लॉग में क्लिक करूंगा तो केवल वो हट जा रहा है ब्लॉग। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है। तो आपको कैटेगरी को हाइड करने के लिए सिंपल सा थिंग है, आपको जो ऑप्शनल्स है वहाँ पर कैटेगरी बेस में फुल स्टॉप डाल के सेव कर देना, और कस्टम स्ट्रक्चर में कैटेगरी उसके बाद पोस्ट नेम होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आप
कैटेगरी को यूआरएल से हटा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलता हूं मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।